प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शादी समारोह में शामिल होने मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला। कॉमन सिविल कोर्ट हो, शिवपाल यादव या बुलडोजर से लेकर के अपराध तक, कई सारे मुद्दों पर खुलकर भाजपा पर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन क्या देश की गरीबी हट जाएगी उससे? एक व्यक्ति के पैसे हो जाने पर क्या सबकी गरीबी हट जाएगी? तो सवाल ये है कि आज लोगों के पास उनके जीवन यापन के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उनकी जेब में पैसा है? अच्छा, एक बिजली समस्या, बिजली संकट एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे अभी प्रदेश में देखा जा रहा है। बिजली की समस्या का समाधान हो जाता समाजवादियों का बनाए हुआ बिजली का कारखाना मैनपुरी के बगल में और एटा से पहले लगा है। ये कारखाना अगर बीजेपी की सरकार 5 साल पहले लगा देती तो मैनपुरी, एटा और पूरे उत्तर प्रदेश को सस्ती बिजली मिलती और 24 घंटे बिजली मिलती। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि ये जो बिजली का कारखाना इतने सालों से खड़ा दिखाई दे रहा है, कब चालू करोगे? अध्यक्ष जी, आपने तो देखा होगा, लेकिन आप भी सवाल नहीं पूछोगे। पूछेंगे आपके बाद तैयार बैठे जो आपका कोर वोटर है उस पर ये साथी बहुत अच्छा सवाल पूछ रहा है और मैं साथी से कहूंगा जो मैं कह रहा हूं वो टीवी पे चलाए कंफर्म। अगर बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको। ये चलाओगे कि नहीं चलाओगे भैया? जो कोर वोटर 12% है उस पर कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं पता है। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को, अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आजम खान को लेकर क्या करेंगे? लेकर सारे नेता बन जाते हैं तो आजम खान दूरी बनाते हैं बाकी की पार्टी के लोगों से। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे? क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ जो सवालों के जवाब है वो दीजिए आप। महंगाई का है कि जवाब के नहीं है? समाजवादी पार्टी है आजम खान साहब के साथ, इसमें क्या गलत है? ये आप लोग विश्लेषण करिए, इसमें मैं नहीं कह सकता कुछ भी। भैया भैया भैया, सुतंत देव सिंह को लेकर क्या कहेंगे? सुतंत देव सिंह का एक वीडियो वायरल है, आधा मत खाइए पूरा खाइए। ये तो वही बात हुई एटा में, एक बार कहा गया था एटा में जो कहा गया था वही बात तो रिपीट की उन्होंने, विभाग भी एक ही है।
अध्यक्ष जी, चुनाव से पहले चाचा आपको आशीर्वाद देने आए और फिर अब आजम खान साहब को मिलने गए, उसके बाद जो स्टेटमेंट आए उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। स्वास्थ्य मंत्री सुविधाओं को लेकर कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदा है। तो उन्हें जाकर के पांच कालिदास में जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी से मिलकर के कहना चाहिए कि हमें बहुत शर्मिंदा है कि जिस तरीके से 5 साल में आपने सरकार चलाई, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त कर दी। आजमगढ़ कौन जा रहा है लोकसभा के लिए इस बार? देखिए, सभी को आज़ादी है और बीजेपी ये चाहती है कि आपको नौकरी नहीं मिले और बीजेपी खुद लाउड स्पीकर बन जाती है जब उसे ध्यान हटाना होता है। बीजेपी के लाउड स्पीकर से बचिए, महंगाई, रोजगार और हमारे किसानों को सुविधा मिले। तो किसानों की खरीद हो रही है, वो तो बाजार में कीमत मिल रही है इसलिए बाजार में बेचने जा रहा है गेहूँ। बाजार में कीमत मिल रही है और याद रखना, ये वही कंपनियां खरीद रही हैं, जब शहरों में आटा बिकेगा तो न जाने कितना मुनाफा कमाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सब गेहूँ इकट्ठा कर ले रहे हैं, सरकार गेहूँ नहीं ले रही है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर कौन जा रहा है? आजमगढ़ और रामपुर से कैसे लड़ाई? आजमगढ़ और रामपुर जब तारीख आएगी तो चुनाव का फैसला भी होगा, वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। क्या सैफी परिवार का सदस्य होगा उसमें? ये आजमगढ़ और रामपुर वहाँ के संगठन के लोग तय करेंगे, वो संगठन के लोगों को सुझाव देंगे। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये पत्रकार पूछ ही नहीं रहे बिजली, इन्हें लगता ज्यादा बिजली मिल रही है। पहले सवाल था बिजली नहीं आई, सबसे पहला सवाल बिजली का ही था हम लोग। महंगी बिजली और मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। और सुनिए, टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पर FIR दर्ज करिए। क्या टारगेट है यहाँ? अच्छा जी, टारगेट दिया हुआ है कि इतने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराइए। पहले तो बिजली नहीं सस्ती दे रहे और बिजली मिल नहीं रही है, ये जो बगल का कारखाना लग गया होता तो शायद बिजली मिल रही होती। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, अगर पत्रकारों से आप गुस्सा ना हो तो, नहीं मानवे से लेके अब तक अगर हम एनालिसिस पार्टी के बारे में करें तो नेताजी सबका जोड़ने का काम करते, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से लोग आपसे या तो रूठे हुए हैं या इलेक्शन से पहले जुड़े हुए थे अब भाग रहे हैं? ये हमारा पत्रकार लगता है बीजेपी क्या बैठा है। सुनिए, आप अपने ही सवाल में अपना जवाब नहीं दे पा रहे हो। समाजवादी पार्टी को 92 में कितना परसेंट वोट मिलता था, आज 22 में वोट कितना मिला है? तो आपको ये बोलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी लगातार जोड़ रही है, लगातार लोगों को शामिल कर रही है और इतनी समाज की जाति बिरादरी का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है। लोगों का और खासकर जात देख करके और धर्म देख करके बुलडोजर लेकर के घूम रही है। अगर सरकारी बुलडोजर ले लेगी और सरकार नियमों को नहीं मानेगी, अगर किसी का स्टे है उस पर भी बुलडोजर, अगर वोट नहीं दिया है तो उस पर बुलडोजर। और सरकार का जो काम होना चाहिए, जब मैं शादी में शामिल होने आया हूँ उसी समय खबर मिली है प्रयागराज में गोली चली है, हत्या हो गई है लोगों की, बांदा में फांसी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के उनकी नेता ने फांसी लगा ली और कानून व्यवस्था पर पूरी की पूरी सरकार फेल हो चुकी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में अगर देखोगे, जात के आधार पर पोस्टिंग है। मुख्यमंत्री जी की खुद की जात के कौन कौन कहाँ बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि कम से कम जनता ये जाने। और जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी के लोग जब जाति का आरोप लगाते थे समाजवादी पार्टी पर या दूसरी पार्टियों पर जाति का आरोप लगाते थे, तो ये बताएं उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग नहीं बैठे? और जो लोग बुलडोजर लेकर के घूम रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने भी अपनी दुकानें हटाई थी सरकार में। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में सड़क चौड़ी होने पर अपनी दुकानें ढाई थी, उसमें तो मुआवजा उठाया आपने।
सौ करोड़ नहीं 150 करोड़ और सुनने में आ रहा हो सकता है ज़्यादा भी मुआवजा उठाया हो। अगर आप अपनी ज़मीन पर बुलडोजर चलाते हो तो करोड़ों मुआवजा उठा रहे हैं, लेकिन गरीब की ज़मीन चली जाए जहाँ पर 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं, आप क्या मदद कर रहे हो गरीब? ये सरकार गरीब के खिलाफ है, किसान के खिलाफ है। और नौजवान हमें बताएं कितनों को नौकरी और रोज़गार मिल गया? यूनिफॉर्म रिपोर्ट पे आपका क्या मत है? समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। आज ज़रूरत है कि आप जैसे लोग, आप नौजवान हैं, क्या वेतन मिल रहा है आपको? एक मोबाइल ले लिया, उससे आप कम से कम थोड़ा बहुत खबर दे दे रहे हो, या हो सकता है किसी चैनल में आप काम कर रहे हो, क्या वेतन है आपका? कोविड के बहाने आपका वेतन कट गया, आपको इस महंगाई में क्या वेतन मिल रहा है? या नौजवान को क्या नौकरी मिल रही है, रोज़गार मिल रहे हैं? सवाल ये है कि महंगाई पर कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? और देश की 50% से ज़्यादा आबादी के, जो 50% आबादी है, जितना उनके पास धन दौलत। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।